हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षा और रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद लाजवाब बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पराठा, जो कि हम पत्ता गोभी और भी कुछ सब्जियों से मिलकर के बनाने वाले हैं। ये खाने में तो बेहद टेस्टी है ही, साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप अपने बच्चों को बनाएंगी तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या क्या सब्जियां हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि यदि आपने रक्षा की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकश कर लिया है। तो करीब 1.5 कप मैंने पत्ता गोभी लिया है, जिसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। आपको काटना नहीं है, केवल कद्दूकश करना है। प्याज, एक बड़ा साइज़ प्याज लिया है, जिसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। एक छोटे साइज़ की मैंने गाजर ली है। गाजर मैं थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन यकीन मानिए कि गाजर से बहुत ज़्यादा मिठास नहीं आएगी। आपको ज़्यादा गाजर नहीं डालनी है, थोड़ा कम ही डालनी है। और यहाँ पर हमने लिया है लहसुन और अदरक, जिसको हमने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इसे भी कद्दूकस कर सकती हैं। और थोड़ा सा हमने हरी मिर्च ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का, जो हमने बारीक काट के रखा था उसको हम डाल देंगे। और इसको हम बिल्कुल धीमी आँच पर हल्का सा फ्राई होने तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अदरक लहसुन का कद्दूकस किया हुआ है अच्छे से भुन गया है। अब हम डाल देंगे हरी मिर्च और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें डालेंगे, ये हमारे तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज कद्दूकस करके रखी थी, तो हम प्याज को भी इसमें डाल देंगे। और हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, जब तक ये हल्की सी भुन ना जाए। आपको इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारी जो है अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, जो हमने कद्दूकस करके रखा था, और पत्ता गोभी भी, दोनों को हम डाल देंगे। और इसको हम सिर्फ 1 मिनट तक चलाएंगे। आपको याद रखना है कि प्याज को तो आपको भूनना है, लेकिन पत्ता गोभी और गाजर को आपको पकाना नहीं है। केवल इसको आपको थोड़ी सा चलाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। तो यहाँ पर क्रंची होनी चाहिए ये सभी चीज़ें, क्योंकि बकाया हमारा जो पराठे के साथ अच्छे से सिक जाएगा। इसलिए अभी हमको यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। तो यहाँ पर फिलहाल मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। आधा चम्मच आपको चाट मसाला डालना है और थोड़ा सा नमक। अगर आपके यहाँ चाट मसाला नहीं है तो आप हल्का सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बिल्कुल मैं थोड़ा सा ही इसको चलाऊँगी और इसको गैस को मैं बंद कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो आपको बिल्कुल भी गलाना नहीं है। तो ये सब्जी हमारी जो स्टफिंग है बन करके रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस स्टफिंग को हम अलग एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी बढ़िया हमारी स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद करके पहले से ही रख लिया है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको इसमें नमक डाल करके आटा को गूंद लेना है। थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है। और ये रही हमारी स्टफिंग। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके बता रही हूँ पराठा बनाने के। तो आपको जिस तरीके से अच्छे लगें तो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ी सी एक लोई लेती हूँ और मैं इसको अच्छे से मसल लेती हूँ, ताकि ये हमारे जो आटा है अच्छे से फटे ना। तो यहाँ इसके मैं 2 पीस कर लूँगी, 2 छोटे छोटे गोले बना लूँगी अलग से। तो आपको बराबर साइज़ के 2 गोले बना लेने हैं इस तरह से। और इनको आपको अच्छे से लोई के आकार में दबाते हुए चपटा कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, अब हम दोनों लोई को बेलेंगे। तो इसमें हमने परथन लगा लिया है दोनों लोई में ही। तो हम इसको जितने साइज़ की पूड़ी होती है उसी साइज़ में दोनों लोई अच्छे से बेल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप एक जो पूड़ी है आप बेल रहे हैं, बिल्कुल हल्की सी बड़ी होनी चाहिए और एक हल्की सी छोटी। ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर होना चाहिए। तो
तो इससे जो दोनों अच्छी साइज़ में फिट आ जाती हैं। तो इससे देख सकते हैं आप, इन्हें एक हल्की करी है, थोड़ी बड़ी की है। तो जो छोटी वाली हमारी पूरी है उसमें हम ये जो स्टफिंग है इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो जो ये तरीका है इसमें क्या है कि हमारे पराठे फटते नहीं हैं, और जो क्योंकि ये जो पत्ता गोभी है इसमें हल्का सा पानी जैसा रहता है, हल्का गीला रहता है, तो इस वजह से ये फटते नहीं है, पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर जो किनारी है हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, ताकि बिल्कुल स्टफिंग और जो पानी जैसा रहता है वो बाहर ना निकले बिल्कुल भी। तो हम इसको अच्छे से घुमाते हुए दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दबा देना है। अब बस हम थोड़ा सा बर्तन ले लेंगे फिर से और बेलन की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से बिल रहा है, ना तो फट रहा है बिल्कुल, ना ही ये पेस्ट निकल रहा है। तो ये देख सकते हैं हमने पराठा बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसका आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो दूसरे तरीके में थोड़ा सी जो स्टफिंग है बाहर निकलने का डर रहता है, क्योंकि ये स्टफिंग थोड़ी गीली सी रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा नहीं निकलता है, मैं बना करके बता रही हूँ आपको कितना निकलेगा। तो इसके लिए मैंने बड़ी लोई ली है जिसको मैंने पूरी के साइज़ में बेल लिया है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्टफिंग लूँगी, सजेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना लें, जो मैंने पहला तरीका बताया था उसमें आप ज़्यादा स्टफिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर से अच्छे से मोड़ लूँगी और इसको थोड़ी सा ऊपर का जो एक्स्ट्रा का भाग है इसको निकाल करके अलग कर देती हूँ, ताकि बहुत मोटा पराठा ना बने। और इसको अच्छे से घुमाते हुए मैंने इस तरह से लोई बना ली है, स्टफिंग तैयार अंदर भर दी है। अब मैं इसको बेलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि फटता है या नहीं। तो क्योंकि मैं जो पहला तरीका है मैं उसी से बनाती हूँ ज़्यादातर, इस तरीके से मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं बेल लूँगी। तो देखिए मैंने बेल लिया है, थोड़ा बहुत ये किनारी बाहर निकल गई है, तो केवल देखने में इसमें देख सकते हैं आप कि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल अच्छे से पराठा बना है। तो मैं अब गैस पर तवा रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए, तो मैं पराठे को इस तवे पर डाल दूँगी और इसको नीचे की तरफ अच्छे से सिकने दूँगी। जब तक पराठा आपका नीचे की तरफ ना सिक जाए, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में पराठा सेकते हैं, लेकिन नहीं, इसकी दोनों परतें अच्छे से सिक जानी चाहिए, तब जाकर आपको पराठा सेकना चाहिए। तो नीचे की ओर पराठा सिक गया है, तो हम दूसरी तरफ भी इसको पराठा अच्छे से सिकने देते हैं। तो जब आपका दूसरी तरफ भी पराठा सिक जाएगा तब हम इसमें ऑयल लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरी तरफ भी सिक चुका है, तो जब ये दोनों तरफ अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसमें ऑयल लगाना शुरू करेंगे। तो ये हम इसको पलट लेते हैं और अब हम इसमें घी लगाएंगे। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको घी लगा देंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छा कुरकुरा पराठा चाहिए तो आप थोड़ा सा घी ज़्यादा लगाएं। तो मैं इसको पलट कर दूसरी तरफ भी अच्छे से घी लगा देती हूँ, ताकि हमारा पराठा बढ़िया से फूल जाएगा अभी, और बहुत ही अच्छा करारा करारा बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनेगा। आप जैसे ही इसको खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगेगा ये। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पराठा फूल गया है, बहुत ही अच्छा बना है पराठा, देख सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये सभी पराठों को फेल कर देता है ये पराठा। जब आप बनाएंगे इसके टेस्ट को, एक अलग ही टेस्ट आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमने पराठे को निकाल लिया है प्लेट में, और अब हम इसको आपको तोड़ करके दिखाते हैं कि ये कैसा अंदर इसकी स्टफिंग लगती है देखने में। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको पराठा दिखाती हूँ कि ये देखिए बीच से आसानी से खुल भी जाता है, इसकी स्टफिंग देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही हेल्दी पराठा है ये। तो इस तरह से आप पराठा बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे, तो इसको भी हम दोनों तरफ अच्छे से पलट कर सेकेंगे और फिर इसको तेल लगा करके सेकेंगे। तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा अच्छे से सिका या नहीं। तो ये देखिए दोनों तरफ हमारा बढ़िया से सिक गया है, तो हम इसमें अब थोड़ा ऑयल कम लगा रहे हैं, और ये किनारी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा निकला हुआ है इसकी स्टफिंग, लेकिन सिकने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ ऑयल लगा देंगे, घी लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पराठा भी बहुत अच्छे से सिक गया है, बस उसमें थोड़ा फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है, इसमें हल्की सी स्टफिंग निकल जाती है, लेकिन खाने में दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपकी जो मर्ज़ी हो आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो मैं इस पराठे को भी अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म पराठे पत्ता गोभी के पराठे बनकर के रेडी हो गए हैं। तो ये पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सभी पराठों को फेल कर देंगे जब खाएंगे आप ये पराठे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।